ओम शांति। आप सबको स्वागत है। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 23 अक्टूबर की ईश्वर वरदान की, जहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमें उमंग उत्साह के पंखों को बढ़ाते जाना है, और उमंग उत्साह से ही हम हर चीज़ में सफलता पा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो कि उमंग उत्साह को आगे बढ़ाती हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि उमंग उत्साह को कम कर देती हैं। उनको हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखें परमात्मा कहते क्या है। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भवा। उड़ती कला मतलब कि हमेशा हाईएस्ट स्टेज में, एंथुजियाज्म की स्टेज में। इंसान को नशा भी उड़ा देता है, पीने वाला, स्मोक करने वाला, ड्रग्स वाला, ये नशा भी उड़ाता है। उनको ऐसे ख्वाबों में ले जाता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और परमात्मा कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य को करते समय भी आपको उमंग उत्साह जब आता है, तो आप उस समय भी उड़ सकते हो, और आप बहुत कुछ अचीव करने, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशंस और बहुत सारे आप अनुभूतियां भी कर सकते हो उस समय, जो कि और लोग शायद से ना कर पाए। तो अनुभव करने वाले हिम्मतवान भवा। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। हम उमंग उत्साह से हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगे कि इस इंसान ने मुझे रोकने की कोशिश करी, ये इंसान ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, वो इंसान ने सपोर्ट नहीं किया, दैट मीन्स हमारे अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं कमी है। हमें लोग तभी सपोर्ट करेंगे जब हमारा मन क्लीन और क्लियर है, और हम ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हम ये चाहते कि और को हम आगे बढ़ाएं। आप ट्राई करिएगा, चाहे अपने जॉब में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जब आपका दिल साफ है कि आप औरों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एक बॉस होते हुए, एक लीडर होते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लोग आपको खींच करके वापस अपनी लाइन पर ले आएंगे, जहाँ पर आप उनको छोड़ के गए थे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है, इसलिए और को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं, तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी। हम औरों को मना मना करके, हम औरों को सहयोग मांग मांग करके थक जाते हैं, लेकिन अगर हम औरों को आगे बढ़ाते तो ऑटोमेटिकली मांगना बंद और मिलना शुरू, और थकावट कम। और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा, इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर हम औरों को पिछाड़ करके, औरों के आगे चढ़ करके, औरों को दबा करके, औरों को नीचे दिखा करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उमंग उत्साह लंबे समय तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक रहेगा नशा, लेकिन उसके बाद में नशा उड़ जाएगा और वो कार्य आगे नहीं हो पाएगा सफल। वैसे कंडीशन बहुत सारी हैं जो कि आप ब्रह्म कुमारीज में भी आकर सीख सकते हैं 7 डे से कोर्स में, और क्लेरिटी से, ताकि आप और गहराई से समझ आ पाए। और वहाँ पे 7 दिन का कोर्स होता है, यहाँ पे हम 7 मिनट या 5 मिनट में या 3 मिनट में आपको ये चीज़ बताते हैं, लेकिन गहराई से वहाँ पे आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप अगर वहाँ ना जा पाए, तो आप सैटरडे का सेशन 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का अटेंड करें, जिसमें कि आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में और जितने भी वरदान आज तक हम डिस्कस करें उनके बारे में और गहराई से बातें करी जाएंगी। अभी चल रहा है डिप्रेशन के बारे में सेशंस वहाँ पर, और ये श्रृंखला चलती रहेगी आगे, एंड अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग ढंग से आपको समझाएंगे वहाँ पर। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है, तो मुझे व्हाट्सएप करें, नहीं तो मुझे मैसेज छोड़ दें, नहीं तो एक कमेंट कर दें यूट्यूब पर, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। इसी के साथ ओम शांति।